स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी का लेक्चर आपने बोर्ड पर देख ही लिया होगा। ज्योग्राफी के लेक्चर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आते हैं, कि कौन सी वेव्स होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब भी हमने डिस्कस किया। वोल्केनो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी सीरीज का, और ये आपको क्लास 11th में मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर होगा और फिर आप आगे की चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट हमने बात करी थी कि ये क्रस्ट है जहां पर हम रहते हैं अर्थ के ऊपर। इसमें मेनली दो पार्ट हैं, एक है ये आपका ओशियन और एक है हमारा कॉन्टिनेंट। तो ओशियन हमारी वाटर बॉडीज, और ये क्या है हमारा, जहां पे हमारा लैंड पार्ट है, ये है हमारा कॉन्टिनेंट। ठीक है। ड्रिफ्ट क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागना। एक दूसरे से दूर भागना क्या होता है? ड्रिफ्ट। तो थ्योरी आपको समझ आई गई होगी। हम क्या बात करने वाले हैं इसमें? कॉन्टिनेंट का एक दूसरे से दूर भागना, यानी कभी ना कभी वो एक साथ रहे होंगे, उसके बाद वो एक दूसरे से दूर भागे हैं। तो इसके बेसिस में इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या है? सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो तीन नाम है उसमें जो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट नाम कौन से जो आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो सारे के सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने नॉलेज के लिए बस आप जान सकते हैं। तो फर्स्ट है अब्राहिम ऑर्टिलियस। अब्राहिम ऑर्टिलियस कौन था? एक डच मैप मेकर था, डच का था, और क्या करता था वो? मैप बनाता था। तो उसने एक मैप बनाया बेसिकली कॉन्टिनेंट और जो वाटर बॉडीज हैं उसको लेकर। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो है हमारा एंटोनियो, एंटोनियो पेलेग्रिनी। एंटोनियो ने क्या किया? एंटोनियो जो पेलेग्री था उसने बताया कि तीन कॉन्टिनेंट से जो आपस में इकट्ठे हैं, तो उसने थ्री कॉन्टिनेंट्स टुगेदर का एक मैप बताया। ये दो नाम जो आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। नाम जो याद रखना है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी किसने बनाई, किसके द्वारा दी गई और कौन से ईयर में दी गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर की। तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में दी गई थी, और किसने दी थी? ये दी थी अल्फ्रेड ने, अल्फ्रेड वेगेनर। अल्फ्रेड वेगेनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। अब अल्फ्रेड वेगेनर कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जिसको कि ये डिस्कस करना था या ये चीजें इसको खोज करनी थी, वो था एक मीटियोरोलॉजिस्ट। अब ये नाम क्या है, मीटियोरोलॉजिस्ट कहां से आया, ये क्या होता है? तो मीटियोरोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करता है कि जो अर्थ के सराउंडिंग्स हैं, वायुमंडल है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या क्या कंपोजिशंस हैं, वो बेसिकली सर्च करता है, वो बेसिकली ये सब बताता है। ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगेनर ने 1912 में दी। अल्फ्रेड वेगेनर के दिमाग में ये प्लान कहां से आया कि कॉन्टिनेंट के बारे में, उन्होंने अपनी फिर से थोड़ा सा हटके इन्होंने ये किया, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान है ये। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपकी ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही आप बाकी चीजें समझ पाएंगे। अगर ये थ्योरी नहीं होती तो काफी सारे सवाल जो है अनसुलझे रह जाते ज्योग्राफी में। तो इसकी थ्योरी के बाद आई थी हमारी कन्वेंशनल थ्योरी, और उसके बाद जो है टेक्टोनिक प्लेट्स, ये थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
तो ये इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बेसिस पर ही आप बाकियों को समझ पाएंगे। अगर हम बात करें ये पोल है तो डायग्राम आप एक बार प्लीज बुक में इसे रेफर कर लीजिएगा, जो आपका है ये है आपके पोल और यहां पर है इक्वेटर, राइट। यहां पर आपके ध्रुव है और यहां पर आपका इक्वेटर है। यहां पर आपका क्या है, अंटार्कटिका। अब जब अल्फ्रेड वेगनर अंटार्कटिका में आया, जब वो इस प्लेस पर आता है, यहां पर वो आता है इस रीजन में, वो क्या देखता है, तो वो एटमॉस्फेयर को डिस्कस करने था, मतलब उसके बारे में कुछ खोज करने आया था, लेकिन उसने आके यहां क्या देखा, उसको मिले फॉसिल्स। फॉसिल्स हिंदी में अवशेष, वो अवशेष किस चीज के थे, वो जीव जंतु के थे, वो पेड़ पौधों के थे। उससे उसको क्या पता चला कि यहां कभी ना कभी तो जीवन रहा होगा, तभी अवशेष मिले हैं, यानी कि किसी की छाप मिलना, किसी की हड्डी मिल गई, कि कोई आपको ऐसी पिक्चर मिल गई जिससे आपको पता चला कि हाँ यहाँ कुछ था, तो वो फॉसिल्स उसको एंटार्क्टिका से मिले। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसको दिमाग में फिर ये सवाल आया ऑब्वियसली कि यहाँ पर आज के टाइम पर तो नहीं है, तो फिर आए कहां से ये फॉसिल्स, ये अवशेष कहां से आया, तो कभी ना कभी तो यहाँ पर जीवन होगा। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में थटती। अब ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, तो ऐसा क्यों, अगर आप देखेंगे तो जो भी वेजिटेशन है, यानी कि जो भी वनस्पतियां हैं, वो आपकी इस रीजन में है इक्वेटर के आसपास, तो इसका मतलब या तो अंटार्कटिका कभी यहां पर रहा हो, या फिर वो एक किसी ऐसे रीजन में रहा हो जहां पर वेजिटेशन हो, जहां पर वनस्पति पहले से थी। तो यहां से उसने एक थ्योरी दी, अगर आप जो कॉन्टिनेंट्स को देखोगे भी, जैसे यहाँ पे ऐसे नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे करके यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे जो अमेरिका है और यहाँ पर अफ्रीका है, अगर आप इनके रीजन्स को देखोगे, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अफ्रीका, इस तरीके से है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ इस तरीके से, अगर आप इनके मैप्स को देखोगे तो मैप्स आपको दिखेंगे कि अगर आपने कभी पिक्चर्स वाले जिप जो फिट जो होता है, यहाँ पे आप पिक्चर फिट करते हैं, कई बार आते हैं किसी एग्जाम्स में, तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा था, ये नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन यहाँ साउथ अफ्रीका में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। तो उसने क्या थ्योरी दी, उसने थ्योरी दी कि जो ये कॉन्टिनेंट आज हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, ये कभी ना कभी एक प्लेस पर थे, इकट्ठे थे, धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि ये आपस में दूर जाने लगे और आज इस तरीके से इतने दूर हैं। तो ये थ्योरी उसके, जो आपका ओरिजिन पूछा जाए तो इसलिए उसने ये थ्योरी दी। अब उसकी थ्योरी क्या कहती है वो भी हम देख लेते हैं। डायग्राम आप बुक से रेफर कर लीजिएगा। ये बेसिकली आपके पोल्स हैं और ये इक्वेटर, चारों ऐसे ही हैं, अर्थ के पिक्चर बनाए हैं मैंने। इस तरीके से आपका डायग्राम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, तो ये कॉन्टिनेंट सारे इस तरीके से इस रीजन में ये इकट्ठे थे। ये हम बात कर रहे हैं 225 मिलियन साल पहले की, कि कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से थे कि सबके सब कॉन्टिनेंट, जो लैंड बॉडीज हैं, जो जमीन की बॉडीज हैं, जहां पर सोए है, मिट्टी है, लैंड है, वो सारा पोर्शन इकट्ठा था। उसके आसपास जो वाटर बॉडीज हैं, वो सारा पानी इस तरीके से फैला हुआ था, ठीक है। तो जो लैंड बॉडी है उसने उसको एक नाम दिया, वो नाम था पैंजिया। इसने इस कॉन्टिनेंट पार्ट को नाम दिया पेंजिया। पेंजिया यानी कि सारी की सारी अर्थ, यानी कि जहां पे भी लैंड है वो पार्ट उसने नाम दिया पेंजिया। अब वाटर बॉडीज भी है यहां पर, वाटर बॉडीज को उसने नाम दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया, पेंथालासा। तो वाटर बॉडीज को उसने बोला पेंथालासा और कॉन्टिनेंट लैंड फॉर्म को उसने बोला पेंजिया। उसके बाद धीरे धीरे
200 साल पहले क्या हुआ कि 200 मिलियन 200 मिलियन ईयर्स अगो कि ये दोनों ये आपस में अलग होने लग गए। तो अगर हम बात करें अब 150 मिलियन ईयर्स अगो यहां पे क्या हुआ, ये आपका इक्वेटर, ये कॉन्टिनेंट क्या हुआ आपस में लैटिट्यूड, ये पता हुआ आपको, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड रीजन है, यानी कि जो रेखाएं लेटी हुई इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लैटिट्यूड रीजन में इन्होंने क्या हुआ, ये आपस में दूर जाने लगे और दो फॉर्म बन गए, एक बन गया यहाँ पे ऐसे नॉर्थ और एक बन गया यहाँ पे साउथ। ये नॉर्दर्न रीजन बन गया और ये बन गया साउदर्न रीजन। ओके, तो ये हमारा पोल और ये हमारा इक्वेटर। नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन में ये डिवाइड हो गए, तो नॉर्दर्न रीजन को जो नाम दिया गया वो दिया गया लोराशिया। लोरेशिया कौन कौन सी कंट्रीज थी इसमें वो आपको याद रखना हो, तो कौन कौन सी कंट्री है, एशिया, यूआर यूरोप, एलए नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, सेंट लोरेंस एक जगह है अमेरिका में, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हो। ये तीन कंट्रीज थी यहां पर, इससे मैंने मान लिया कि अमेरिका नॉर्दर्न रीजन में है तो नॉर्थ अमेरिका नाम दे दिया, यू आर है तो यूरोप मैंने यहां से निकाल लिया, एशिया है तो एशिया मैंने यहां से निकाल लिया। तो ये तीन कंट्रीज का जो ग्रुप था वो यहाँ पे लोरेशिया का नाम दिया गया जो नॉर्दर्न रीजन में था। अब बात करते हैं साउदर्न रीजन की, तो साउदर्न रीजन को हमने नाम क्या दिया, गोंडवाना लैंड्स। गोंड किसके नाम पे है, गोंड एक ट्राइब है जिसके नाम पर ये नाम रखा गया है गोंडवाना लैंड्स, और इस लोरेशिया को हम अंगारा लैंड्स भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंगारा लैंड्स तो ये भी इसी का नाम है। अगर आप किसी और बुक को रेफर करें एनसीईआरटी के अलावा, तो अगर यहाँ पे अंगारा लैंड्स भी मिल जाए तो ये यही लोरेशिया वाला रीजन है। अब जो यहाँ पे अब आपस में ये डिवाइड हो गए, तो बीच में रीजन आया, पानी था तो आपस में यहाँ पे भी भर गया पानी, वाटर आया यहाँ पर, इसको हमने नाम दिया टिथिस। ये पानी का जो तट है हमने क्या बोला इसका नाम, इसको हमने बोला टिथिस। इतना हो गया 150 मिलियन ईयर्स एगो। अब हम बात करते हैं फिर थोड़े दिनों में क्या हुआ, 100 मिलियन ईयर्स एगो जो ये नॉर्दर्न और साउदर्न है, अब नॉर्दर्न वाला पार्ट भी और साउदर्न वाला पार्ट भी आपस में अलग होने लगे, तो कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, इस तरीके से ये रीजन आपस में बटने लग गए। तो ये धीरे धीरे से बटे और जो एग्जैक्ट पोजीशन जो आज हम पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेट आप 7 मिलियन ईयर्स एगो मान लो, तो इस तरीके से बन गया। यहां पर हमारा क्या है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर हमारे क्या है साउथ अमेरिका, यहाँ पे क्या है अफ्रीका, यहाँ पे इंडिया एशिया, तो इस तरीके से ये जो आज रीजन आपको दिख रहे हैं ये इस तरीके से बन गए। तो ये है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये थ्योरी उसने दे दी, हाँ चलो जी ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपस में अगर आप इनको फिट करोगे तो एक कॉन्टिनेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये एक रीजन वैलिड है, क्या ये एक एविडेंस काफी है इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, तो और भी काफी सारे ऐसे एविडेंस थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि हाँ कॉन्टिनेंटल थ्योरी, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं वो सही है। ऐसा सच में हुआ होगा कभी कि सब कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे, धीरे धीरे अलग हुए, अलग अलग रीजन बने, जो आपने मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया वो आपको नाम याद रखने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि अंगारा लैंड्स कौन सा है, गोंडवाना लैंड्स कौन सा पार्ट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो यहां से बनते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, कब दी, गोंडवाना लैंड्स कौन सा है, लोरेशिया कौन सा है या अंगारा लैंड्स कौन सा है, पेंजिया या फिर पेंथलासा किसको बोला जाता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं एविडेंसेस की। अब हम बात करते हैं क्या क्या एविडेंसेस थे।
ये डायग्राम हम रेफरेंस के लिए रख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि एविडेंसेस में हमारे पास क्या क्या काम आएगा इसमें से। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, बेसिकली हम इन रीजन्स की बात करेंगे। तो एविडेंसेस क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट, जब आप देखेंगे कि अफ्रीका वाला रीजन और साउथ अमेरिका वाला रीजन अगर आप देखेंगे तो आपस में फिट बैठता आपको दिखाई देगा। अगर आपने पिक्चर वाले सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, जिग्सॉ फिट जिसको आप बोलते हो, आपने पिक्चर वाली पजल सॉल्व की है तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के पार्ट को देखोगे तो वो भी आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे, ऊपर से भी आपको एंटार्क्टिका, तो ये सब आपको मिलते हुए दिखाई देंगे कि कभी ना कभी एक रहे होंगे। तो सबसे पहली थ्योरी थी मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। यानी कि कॉन्टिनेंट्स का आपस में मैच होना, कैसे, जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट तो आपस में कभी ऐसे रहे और ये मिले, तो क्या हमने सिर्फ इस बात पर भरोसा कर लिया? नहीं। एक इंसान हुए बुलार्ड, बुलार्ड ने 1964 में एक कंप्यूटर के थ्रू एक प्रोग्राम जनरेट किया जिसमें उसने एंटार्क्टिक के ऊपर वाला जो था रीजन उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और उसमें उसने फिट करके देखा कि ये सारे कभी ना कभी फिट रहे होंगे। तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसने बनाया वो बिल्कुल सही साबित हुआ और ये 1000 फैंटम लाइंस पर देखा गया था, ना कि सिर्फ सिंपल लाइंस पर। यानी कि जो इसकी प्रोजेक्शन थी कि कैसे ये फिट रहे होंगे, इसका जो प्रयोग था वो काफी लंबे स्तर पर किया गया, तो ये बिल्कुल फिट हुआ, बिल्कुल सही रहा। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया एविडेंसेस, इसको हम मान लेते कि ये हमारा करेक्ट था। अगर हम सेकेंड एविडेंस की बात करें तो टोटल 5-6 एविडेंस हम यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड एविडेंस की बात करें तो सेकेंड है हमारा रॉक्स ऑफ सेम एज। अक्रॉस द ओशियंस, कि जो आप ओशियंस देखोगे यहां पर जो भी वाटर बॉडीज हैं, यहां पर मान लो ये साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है। अगर आप देखोगे कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे देखा कि ये कैसे सही हुआ होगा, तो उन्होंने जो यहाँ की रॉक्स थी यानी कि जो यहाँ की चट्टाने और जो इस कोस्टल रीजन की चट्टाने थी, सबके सैंपल्स इकट्ठे किए, सारी चीजें देखी कि उनका मटेरियल, उनकी एज, उनकी कंपोजिशन सब सेम था। सब सेम तभी हो सकता है कि कभी ना कभी आपस में रहे होंगे और फिर बाद में अलग हो गए किसी भी रीजन से, किसी भी फोर्सेस से, क्यों हुए वो भी हम आगे की थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये जो उसकी कंपोजिशन, उसका जो भी मटेरियल था, जो भी एज थी, वो सेम होने की वजह से ये बोला गया कि अगर रॉक्स सेम है ऑब्वियसली तो वो कभी ना कभी आपस में सेम रहेंगी, तभी उनकी कंपोजिशन मिलेगी, तभी उनका मटेरियल मिलेगा, तभी उनकी एज मिलेगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, टिलाइट। टिलाइट क्या है? टिलाइट सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ ग्लेशियर्स। ये टिलाइट की एग्जांपल है, ये है बेसिकली आपका गोंडवाना रीजन का, यानी कि इस रीजन से यहां जो ये वाला रीजन था, गोंडवाना रीजन साउदर्न पार्ट जो था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो टिलाइट में क्या है, टिलाइट में बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक सेडिमेंटरी रॉक्स होता है ऑफ ग्लेशियर्स की, जैसे अब वोल्केनो है, वोल्केनो लावा निकलता गया फिर जमता गया, फिर निकलता गया फिर जमता गया, इस तरीके से हमारी लैंड आज भी बन रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेडिमेंटरी रॉक्स बनी ग्लेशियर्स की, ग्लेशियर आए एक के ऊपर एक, फिर परत दर जमाते गए। तो जो जितना हमने स्टडी किया, जितना साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि नीचे वाली रॉक्स उनमें काफी सिमिलरिटी मिली, काफी लॉन्ग टाइम से वो सेम देखे गए, तो काफी रीजनों में उसकी बात हुई कि काफी रीजन में वो सेम देखे गए कि जैसे इंडिया में जो टिलाइट है, सेडिमेंटरी रॉक्स है, वो आपको बाकी में भी मिल जाएगी, अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, मेडासागर, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर इनकी सिमिलरिटी थी 7 रीजन में। तो ये बात होगी हमारी टिलाइट की। तो इससे भी पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहीं ना कहीं सही रही है। अब बात कर लेते हैं अगले की, तो अगला पॉइंट है हमारा प्लेशर डिपॉजिट्स। इस
इसमें आपने याद रखना है गोल्ड, गोल्ड आपका इसमें आपने याद रखना है। तो गोल्ड में क्या है, गोल्ड मिलता है यहाँ पर बेसिकली अफ्रीका में, जो घाना है, घाना रीजन में आपको गोल्ड दिखाई मिलता है, तो यहाँ पे ब्राजील है। तो जो गोल्ड की खाने यहाँ पर आपको मिलती हैं और यहाँ पे भी इसके अवशेष पाए जाते हैं, तो मतलब कि ये दोनों आपस में कभी ना कभी इकट्ठे थे फिर अलग हुए। इससे भी एविडेंस मिलते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉसिल्स। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है और इंडिया का साउथ रीजन है, क्या वहां पे वेजिटेशन सेम है, क्या सेम प्राणी पाए जाते हैं, क्या सेम पेड़ पौधे पाए जाते हैं? नहीं। तो जैसे ही हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर चलते हैं, चट्टाने, पेड़ पौधे, जीव जंतु अलग अलग हमें जो है उनकी प्रजातियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग उनको आवास चाहिए, अलग जलवायु चाहिए, अलग एनवायरमेंट चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रजातियां चेंज होती रहती है। लेकिन हुआ क्या कि अगर अब हम बात करते हैं इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर, इन तीनों जगह पर एक प्रजाति पाई गई लेमूर, उसके जो अवशेष हैं वो तीनों ही जगह मिले और उस एरिया को, इन तीनों के रीजन को हमने नाम दिया लेमूरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि लेमूरिया किसको आपने नाम दिया, लेमूर प्रजाति यहां पर थी इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर में, इसको आपने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया लेमूरिया। इसी तरीके से एक है मिसोगोस्कर, मिसोगोस्कर अगर आप यहां पर बात करेंगे तो ये मिसोसोरस है, सॉरी मिसोसोरस। मिसोसोरस क्या है, आपको यहां पे अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा उसके अवशेष और यहां पर साउथ अमेरिका में भी देखने को मिले। तो इस अवशेष से क्या पता चलता है, इस अवशेष से ये है कि दोनों ही रीजन में मिसोगोस्कर हैं, लेकिन अगर आप आज की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 4800 किलोमीटर। तो इसीलिए हमने इंडिया का एग्जांपल देखा कि जब नॉर्थ और साउथ में ही सिमिलरिटी नहीं है इंडिया में होकर, तो ये 4800 किलोमीटर दूर में कैसे सिमिलरिटी हो सकती है? तो कभी ना कभी ऐसा रहा कि एनवायरमेंट जो है वो सेम था, दोनों में दोनों साथ थे, एडेप्शन सेम थी, तो इसीलिए क्या है कि जो मिसोसोरस है दोनों में पाया जाता था कि ये कभी ना कभी आपस में इकट्ठे रहे और इसके कारण ही क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ठीक है, इससे ये पता चला। तो ये हो गए हमारे एविडेंसेस। अब एविडेंसेस भी हमें मिल गए, अब आगे क्या पढ़ेंगे अब हम? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने देख ली, हमने समझ लिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है पूरा अच्छे से। एविडेंसेस भी हमने देख लिया, चलो हमने मान लिया कि ऐसा हुआ होगा, एविडेंसेस भी मिल रहे हैं तो ये थ्योरी करेक्ट है। अब जो एल्फ्रेड वेगेनर था उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें दी, तो जब ये इकट्ठे थे कॉन्टिनेंटल और वाटर बॉडीज तो किसी ना किसी वजह से अलग हुए, तो एल्फ्रेड वेगेनर के अकॉर्डिंग फोर्स लगे और वो फोर्स क्या थे वो अब हम डिस्कस करेंगे। उसने बोला कि दो फोर्स है, एक तो है पोल फ्लिंग फोर्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है का टाइडल फोर्स। टाइडल ज्वार भाटा किसके कारण होता है, सन एंड मून के कारण। उसने क्या बोला, पोल फ्लिंग फोर्स की कॉन्टिनेंटल एरिया इस तरीके से यहां पर था और पोल की यानी कि ध्रुव, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ अपनी दूरी पर घूम रही है, रोटेशन हो रहा है, तो पोल जो ध्रुव है ध्रुव के कारण उनमें फोर्स लगा और फ्लिंग होता है दूर भागना, और ये फोर्स लगने के कारण जो कॉन्टिनेंट बॉडीज हैं वो यहां से दूर भागी और आपस में एक दूसरे से दूर होती चली गई। तो ये फोर्स बोला एल्फ्रेड वेगेनर ने, जो बाकी साइंटिस्ट के द्वारा जो कन्वेंशनल थ्योरी थी उसके द्वारा इसको गलत सिद्ध कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड उसने बोला टाइडल फोर्स यानी कि ज्वार भाटा सन और मून के ग्रेविटी के कारण क्या हुआ कि जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी थी इस पे क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स पे काफी सारा फोर्स लगा और वो फोर्स इतना लगा कि धीरे धीरे
ज्यादा होता गया और उस फोर्स का यहाँ पर जो है देखने को मिल गए रिजल्ट्स और ये आपस में दूर जाने लगे। तो इस थ्योरी को भी गलत माना गया अकॉर्डिंग टू कन्वेक्शनल थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ठीक है, उसके एविडेंसेस भी ठीक है, लेकिन फोर्स जो अल्फ्रेड वेगनर ने एक्सप्लेनेशन दी है कि इस वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, वो थ्योरी को उस फोर्स को उस रीजन को जो साइंटिस्ट है उन्होंने मना कर दिया। अब टाइडल फोर्स को अगर हम बात करें कि क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था अगर टाइडल फोर्स यानी कि आप बात कर रहे हो सन एंड मून की ग्रेविटी की इतना फोर्स है उसमें तो क्या अर्थ के रोटेशन को नहीं रोक सकता? अर्थ का रोटेशन भी तो रुक जाता, अर्थ के रोटेशन पे भी तो कुछ प्रभाव होते और ऐसे ही क्यों रहती? अर्थ भी तो थोड़ी हिलती डुलती, कुछ और होता, कुछ और आपका अवशेष देखने को मिलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थ्योरी हमने डिस्कस की है, कंप्लीट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफी क्वेश्चन है इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप दो तीन बार ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको कंप्लीट ये लर्न हो जाएगी। इससे आगे के वीडियोस में हम करेंगे कन्वेक्शनल थ्योरी और आगे भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी से आपका बेसिक बनाना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आपको और समझ आएगा। अगर आप ये वीडियो आपने पहली बार देखी है तो पहले की वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके जो बेसिक्स है वहीं से कंप्लीट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई ऐसी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो आज की वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, किसी और टॉपिक पर चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी सीरीज और भी आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।